पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको संदीप कहते हैं। कुंती सिंह की तरफ से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्पैच राइडर ड्राइवर दफ्तरी नायब का से चौकीदार और सेंट्री वर्कर की तकरीबन 436 के करीब वैकेंसी आई हैं। अगर आप लोग इसके अहल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। इसका सिर्फ इंटरव्यू होगा, टेस्ट नहीं होगा। इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए, हम इंटरव्यू की तैयारी के लिए वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब हम ये वीडियो बनाएं तो आपको मिल सके। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिनकी एज 18 से 28 साल तक है और जिनका डोमिसाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिस्पैच राइडर के लिए कम से कम तालीम प्राइमरी और मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ड्राइवर के लिए तालीम प्राइमरी और 2 साल के तजर्बे के साथ LTV ड्राइविंग लाइसेंस और लॉग बुक मेंटेन करने की अहलियत रखता हो। दफ्तरी प्राइमरी पास हो, नायब का असर पढ़ा लिखा हो, चौकीदार पढ़ा लिखा हो, सेंट्री वर्कर सेंटिनेशन के काम का तजर्बा रखता हो। तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट testpoint.pk है, यहाँ से आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। शराइत व ज़वाबत, इंटरव्यू के दिन दस्तावेजात की तस्दीक शुदा नकूल और अपनी दरख्वास्त साथ लेकर जानी है। हर एक असामी के लिए तस्दीक शुदा नकूल दस्तावेजात की और 2 पासपोर्ट सारी तस्वीरें अलग अलग लेकर जानी है। हुकूमत सिंध की जानब से उम्र में 15 साल रायत होगी। खवातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। दस्तावेजात जमा कराने की आखिरी तारीख 25/8/2021 है। अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF बुक्स पास पेपर जॉब के मुतालिक मालूमात आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप स्टेटस पर मिले तो नीचे दिए गए लिंक पर अपना नंबर सेव कर लें। लिंक हासिल करने के लिए अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अगर हमारे नंबर को testpoint.pk के नाम से सेव नहीं करेंगे तो मालूमात नहीं मिल सकेंगी। हम कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करते। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी वो आपको व्हाट्सएप स्टेटस में या ईमेल पर दी जाएगी और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।